गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग लॉकडाउन ई पाठशाला में कक्षा 7 के विषय हिंदी को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें शीर्षक हमारा आज का होगा चाहता हूँ, जो कि पाठ 1 है और इसके कवि का नाम रामावतार लक्ष्मी है। बच्चों, इस कविता में कवि जो है रामावतार लक्ष्मी, उनका भारत भूमि के प्रति, धरती माँ के प्रति वो अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देना चाहते हैं, उसके ऋण से उऋण होना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि भारत माता ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हम उनकी संतान हैं तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। कवि यहाँ पर सब कुछ दे देना चाहते हैं, फिर भी उनको लगता है कि कुछ और भी दूँ, ये चाहत मन में कवि की बनी रहती है। तो आइए हम लोग पहले कविता का सस्वर वाचन करें, कविता को मन से पढ़ें। मन समर्पित, तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, हाल में लाऊं सजा कर हाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। मान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मांज दो तलवार को लगाओ ना देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ये थी हमारी कविता कक्षा 7 की पाठ 1 में जो वर्णित है। इस कविता में कवि के द्वारा जो बातें कही गई हैं, उससे सीधा सा तात्पर्य निकलता है कि कवि अपना सर्वस्व न्यौछावर भारत माँ के लिए कर देना चाहता है। अब हम कविता की पंक्तियों पर जाएंगे और उनके अर्थ को समझेंगे। मन समर्पित, तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। कवि अपने मन को, अपने तन को, सबको, अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहता है देश की धरती को, कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, माँ यहाँ पर भारत माँ के लिए प्रयोग किया गया है, तो भारत माँ के लिए कहा जा रहा है कि तुम, मैं इस भारत देश में जन्म लिया हूँ और तुम्हारा ऋण मुझ पर बहुत है, मैं गरीब उस ऋण को चुका नहीं सकता, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, फिर भी कवि निवेदन करना चाह रहे हैं कि थाल में लाऊं सजा कर भाल, जब भी
हाल का अर्थ होता है माथा, सिर। और थाली में जब मुझ अपने सिर को सजा करके लाऊं तुम्हारे समकक्ष में, तुम्हारे लिए अपने सिर को भी न्योछावर कर दूं, तब कर दिया कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। तो थोड़ी सी दया करके मेरे सिर को स्वीकार कर लेना। फिर कभी कहते हैं, मान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी वो अर्पित कर दे रहे हैं, प्राण को भी अर्पित कर दे रहे हैं, अपने रक्त के एक एक कण को वो समर्पित कर देना चाह रहे हैं देश के लिए। और फिर भी कहते हैं कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मांग दो तलवार को लगाओ न देरी, तलवार की जो धार मध्यम पड़ रही है उस तलवार को चमकाने की बात कर रहे हैं, उस तलवार की धार तेज करने की बात कर रहे हैं, ताकि युद्धभूमि में जब जाना पड़े तो वो पीछे ना हटे, उनकी तलवार की धार कम ना पड़े। इसलिए कह रहे हैं कि मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। और अपने कमर पर कसकर ढाल बांध देने की बात कवि यहाँ पर कह रहे हैं। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, धरती माता के से धूल लेकर के उनके भाल पर वो चर धूल लगा लेना चाह रहे हैं तिलक स्वरूप। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, अपने सिर पर भारत माँ के आशीर्वाद की छाया वो चाह रहे हैं। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, वो अपने सपने को भी अर्पित कर देना चाहते हैं, वो उनके मन में जितने प्रश्न हैं उसको भी अर्पित कर देना चाहते हैं, यहाँ तक कि अपनी आयु के क्षण क्षण को भी वो समर्पित कर देना चाह रहे हैं। फिर भी उनके मन में ये बात होती है कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, वो और भी अभी देने की बात कवि कह रहे हैं भारत माता को। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, जो मोह माया में इंसान घिरे रहते हैं सदैव परिवार से पर भाई बंधु से वो मोह माया में झगड़े रहते हैं, उन मोह माया को कभी तोड़ देना चाहते हैं। और कहते हैं तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, मेरे गांव बंधुओं मेरे परिवार वालों मुझे क्षमा करो। गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, अपने गांव से अपने घर आंगन से अपने द्वार से वो क्षमा मांग रहे हैं कि मुझे युद्ध भूमि में जाने के लिए मोह माया में ना जकड़ो, मुझे जाने दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, आज भारत माँ की रक्षा के लिए मुझे हाथ में तलवार दे दो। और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, ताकि मैं युद्ध जीत करके अपने भारत के ध्वज को लहरा सकूं। अंत में कहते हैं कवि, सुमन अर्पित चमन अर्पित नीड़ का तृण तृण समर्पित। सुमन मतलब फूल होता है, चमन मतलब बगीचा होता है, नीड़ मतलब घर होता है घोंसला होता है, और तृण मतलब घास होता है। तो कवि कहना चाहते हैं कि वो अपने जीवन रूपी सुमन को भी अर्पित कर देना चाह रहे हैं, पूरे चमन को अर्पित कर देना चाहते हैं, यहाँ तक कि अपने घर का एक एक तिनका भी वो समर्पित अपने देश के लिए कर देना चाह रहे हैं। और फिर कहते हैं, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इतना कुछ समर्पण के बावजूद कवि के मन में ये चाहत बनी रहती है कि वो अपनी धरती को कुछ और भी दे। इस प्रकार से कविता यहाँ पर समाप्त होती है। और इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि हम भारतवासियों को भी जब ज़रूरत पड़े भारत माँ की रक्षा के लिए तो सदैव तत्पर होना चाहिए। भारत भूमि पर हमारी धरती माता पर यदि कोई संकट कभी आता है तो हमें उसका मिलकर उसका मुकाबला करना चाहिए और अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तो आज की कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।